इंडिया में हमारे ड्रामास को देखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। मैंने यही बताया कि वहां पर मुझे कहीं नजर नहीं आया पाकिस्तानी कंटेंट। अगर वहां पर नहीं देखा जाता तो फिर हिंदुस्तान में 1000 फिल्में बनती हैं, पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में बनाने वाले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से कि जो इंडियन मटेरियल दिखाया जाता है, और अब तो हमारी कंट्रीज के अंदर जो मूवी बनती है वो भी इंडियन मवाद को ही दिखाती है? अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की एक फिल्म जो है इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तकरीबन 5 करोड़ से लेके 12 करोड़ रुपए तक की बनती है। पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में बनाने वाले नहीं है। अभी आप किसी सिनेमा ओनर को फोन करें, दे विल से सर वेयर इज द कंटेंट। पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में आती हैं और हिंदुस्तान में 1000 फिल्में बनती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा नुमान साहब, मैं आपसे पूछेगा कि उनको 10 फिल्मों के भी नाम याद होंगे, लेकिन मैं एज अ मूवी मेकर क्या कहना चाहता हूं, आप पाकिस्तानी सिनेमा को जगह दें, सबसे पहले अपनी स्क्रीन्स के ऊपर जगह दें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी आवाम, उसको आपने एक ऐसा कंटेंट देना है कि वो देख सके। बिल्कुल सही। जरा आगे बढ़ जाएगी। अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है जिनका नाम शान है। एज अ व्यूअर अगर देखा जाए तो मैंने भी जो पाकिस्तान के अंदर भी जो मूवीज देखी हैं उसके अंदर भी बहुत असर रसूख पाया जाता है इंडियन मवाद का। कर रहे हैं इंडियन कंटेंट के हवाले से और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिस किस्म का मटेरियल दिखाया जाता है, जिसका जाता है भारतीय मवाद का, उस हवाले से बात हो रही है। और आज इनिशिएटिव भी एक अच्छा लिया गया है जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने एक्शन लिया है और बाकायदे तौर पर चेयरमैन पैमरा को भी हिदायत की है कि इंडियन कंटेंट नहीं चलाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल इंडियन कंटेंट तो काफी अच्छे से हम यही चाह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं एक कुछ अच्छा पहले इत्तेफाक हुआ था मेरा इंडिया जाने का, तो मैं सर्च करता रहा चैनल्स के, शायद हमारा को पाकिस्तान को कोई ऐसा चैनल नजर आ जाए, मुझे कहीं पाकिस्तानी कंटेंट नजर आ जाए, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं वो बर्दाश्त करते हमें कि कहीं से पाकिस्तानी चैनल देखा जाए, तो हमारे यहाँ क्यों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल फौरन जो है वो बैन कर दिया जाता है हमारे, इवन सर्जिकल स्ट्राइक होती है यहाँ पर या बॉर्डर्स के ऊपर कुछ होता है तो फौरन से हमारे जो एक्टर्स होते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है, जो उनका काम होता है वो बंद कर दिया जाता है। क्या समझते हैं कि इंडिया में हमारे ड्रामास को देखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। मैंने यही बताया कि वहां पर मुझे कहीं नजर नहीं आया पाकिस्तानी कंटेंट। वहां पर नहीं देखा जाता, पाकिस्तान में क्यों सारे आम जो है वो केबल ऑपरेटर्स अपनी मनमानी करते हुए, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मना भी किया गया था कि जो है वो ऐसा मटेरियल ना चलाया जाए, उसके बावजूद मनमानी की जा रही थी? एक्चुअली पाकिस्तान में हमें अपनी अपनी दुकान चमकाने की आदत है कि हम चाहते हैं कि बस हमारा बिजनेस चलता रहे, बाकी कुछ नहीं। एक एक आपका जब मुल्क की बात आती है ना तो फिर आप सारी चीजें छोड़ देते हैं। अगर सामने हमारे मुल्क के खिलाफ कोई जा रहा है तो फिर हम तो अगेंस्ट खड़े होंगे, हमें खड़ा होना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए सबसे पहले, और ये इसको देखना चाहिए कि ये बिल्कुल कॉन्टेंट तो चलना ही चाहिए। अगर हमारा अगर हमारा वो कॉन्टेंट चला रहे हों हमारे चैनल्स के ड्रामे, हमारे क्योंकि ड्रामास इतने अच्छे हैं कि वहां पर अगर चलेंगे तो वो सारा जो उनकी जो इंडस्ट्री है ड्रामा इंडस्ट्री, वो तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, तो वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तानी कंटेंट वहां आए। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी शेख साहब कि जो मटेरियल दिखाया जाता है, जो गैर इखलाकी मवाद जो है वो नशर किया जाता है, क्या समझते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे मुआशरे पर भी पड़ता है? और क्योंकि हमारे जो जो मैंने देखा है कि जो हमारे गांव के जो ज्यादा जो लेबर क्लास है वो ज्यादातर ये इंडियन कंटेंट देखते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, उनके फिर जहनों में ये चीजें बैठती हैं, फिर उन पे असरात होते हैं और वो फिर आपको असरात नजर आते हैं।